हम अपने कर्मों को तो दिन रात जीते हैं, अपने कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा यदि भाग्य का सहारा मिल जाए तो हमारे करियर बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। और शायद इसी कारण से आज मंगल देवता आपके भाग्य को सहारा देने का एक निरंतर प्रयास करेंगे, जो कि आपके भाग्य के ही अधिपति बनते हैं। साथ ही साथ शुक्र और शनि का एक समसप्तक योग भी बनने जा रहा है, ठीक आपके सप्तम भाव जो कि आपके व्यापार का होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, और आपके लग्न पर इसका प्रभाव रहेगा जो कि स्वयं आपकी अपनी राशि होती है। क्या होगा इसका प्रभाव, क्या होगा सारा ग्रहों का ये प्रभाव आपके जीवन पर, इसी को समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मंगल देवता के पास। ये मंगल देवता 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक आपके द्वितीय भाव को छोड़ करके आपके ठीक तृतीय भाव पर उपस्थित हुए हैं। ये मंगल देवता चूंकि आपके जीवन में आपके भाग्य के अधिपति बनते हैं, आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, और जब भाग्य के स्वामी का आपके तीसरे घर पर होना कहीं ना कहीं शुभता की ओर प्रदर्शित करता है। पहले समझ लेते हैं मंगल के इस तीसरे भाव पर प्रभाव को। जिसके राशि पर ये आए हुए हैं, ये राशि है तुला राशि, अर्थात इसके अधिपति बनते हैं स्वयं शुक्राचार्य जी महाराज, जो ठीक आपके तीसरे भवन पर हैं। ये वायु तत्व की राशि है और अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं हमारे सेना नायक मंगल को। आप स्वतः विचार कीजिए, यदि हमें आग जलाना हो कहीं, तो क्या बिना वायु के आग पकड़ सकता है? ये आग यदि बहुत तीव्र गति से यदि जलनी चाहिए तो साइंस कहता है उसे वायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर मंगल को एक वायु का प्रभाव मिल गया समझिए, जिस राशि पर ये गए हुए हैं। अब ये ज़्यादा प्रभाव देंगे, कैसे प्रभाव देंगे? तृतीय भाव हमारे साहस का होता है और साहस का दूसरा नाम ही मंगल होता है। इस हिसाब से इस समय पर सिंह राशि के जीवन पर, सिंह लग्न के जीवन पर साहस अत्यधिक होगी। आप कोई भी कार्य को निरंतरता के लिए प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि साहस आपके अंदर बहुत अच्छे ढंग से आपके तीसरे घर पर होगी। तीसरे घर पर जब मंगल होते हैं तो माना जाता है कि पराक्रम की दृष्टिकोण से तो अनुकूल हो ही गया, साथ ही साथ यदि कोई कम्युनिकेशन के कार्य में है, यदि कोई किसी प्रकार से संचार माध्यमों से जुड़ा हुआ है, यदि कोई एक्टिंग फील्ड में है, उनके लिए भी इसे शुभ अवसर आप मान सकते हैं, क्योंकि तीसरे भवन का स्थान इन्हीं सब बातों को रिप्रेजेंट करता है। अब समझिएगा इस मंगल के पास कौन से घर का स्वामित्व है। हमने अभी भी बताया ये आपके भाग्य से, साथ ही साथ यही मंगल देवता आपके सुख भाव के मालिक बनते हैं, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है चतुर्थ भाव, मतलब सुख के मालिक का अपने से 12वें घर पर जाना। इस समय पर स्थान परिवर्तन यदि आप कोई करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन का एक योग बन सकता है। हो सकता है किन्हीं कारणों से, अभी हालांकि ये 16 नवंबर तक रहेंगे, किन्हीं कारणों से घर से दूरी हो सकता है। किसी अच्छे कार्य के लिए, भाग्य उन्नति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। ये दोनों ही परिप्रेक्ष्य से इसे अच्छा संयोग ही माना जाएगा। परंतु चतुर्थ भाव हमारी माता का भी होता है। माता स्थान से 12वें घर पर होने के कारण माता के स्वास्थ्य में भी कुछ नरमा गर्मी की स्थिति देखने को मिल सकती है, अर्थात सजगता की ओर आपको अग्रसित रहना है। अब मंगल को देखते हैं तो मंगल के पास दृष्टियां भी होती हैं। इन दृष्टियों के हिसाब से 1, 2, 3, 4 इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके छठे भाव पर है। छठा भाव वो स्थान हो गया जो आपके रोग ऋण शत्रुओं का होता है। मंगल पराक्रम दिखा रहे हैं, कहाँ दिखाएंगे, मतलब आप पराक्रम कहाँ दिखाएंगे, कैसे मेरे रोगों का समन हो सके। यदि कोई चिकित्सा न मिले तो अपने हाथों से ही, अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा आप अपने रोगों को निपटारा करने के लिए एक प्रयास करेंगे। यही स्थान हमारे शत्रुओं का भी होता है, तो मतलब सीधी सी बात हो गई भाई, मंगल साहस के प्रतीक हैं। मेरे शत्रुओं का दमन कैसे कर पाऊँ, इस पर आपका सबसे ज़्यादा इस समय पर प्रयास रहने वाला है। साथ ही साथ ये कर्जे का स्थान भी होता है। यदि पहले से हमारे कोई कर्जे चल रहे हैं, कोई परेशानी चल रही है धन को लेकर के, तो मंगल का साथ है ना आपको, आप ये मानिए। मंगल देवता अच्छा जिस भाव पर देख रहे हैं वो इनकी उच्च की राशि है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि कर्जों से भी इसी टाइम पीरियड पर कोई एक विकल्प निकल करके आ जाए। देखिए कर्जे तो हमें ही चुकाने होते हैं यदि हमने कहीं से कर्जा लिया है तो, लेकिन एक विकल्प मिलना जरूरी है, और वो विकल्प इस समय पर आपको प्रदर्शित हो सकता है। आप ये जानिए, आप ये मानिए।
मंगल की एक दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि से सीधे मंगल देवता आपके भाग्य भाव को ही देख रहे हैं, मतलब अपने ही घर को देख रहे हैं। आप स्वतः विचार कीजिए, यदि आप अपने घर को देखते हैं, यदि आप अपने घर के सामने हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि मेरा घर किसी कारण से बिगड़ जाए या उसमें किसी बुरे व्यक्ति या किसी कोई बुराई हो पाए। ठीक इसी प्रकार से मंगल देवता अपने ही घर को देख रहे हैं, जो कि भाग्य का भाव है, अर्थात भाग्य की अभिवृद्धि होना, आपके उच्च अधिकारियों को सपोर्ट मिलना, जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको यहाँ पर सफलता प्राप्त होना। साथ ही साथ तीसरा भाव का संबंध कहीं ना कहीं हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम से भी होता है, तो जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम ले रहे हैं या फिर आपके जीवन में भी कंपटीशन की अधिकता बनी हुई है आपके कर्म क्षेत्र में या फिर आपके व्यापार क्षेत्र में, यहाँ पर भी मंगल एक साहस देने का भरपूर प्रयास आपके जीवन को करेंगे, आप ये जानिए। इसके बाद एक और दृष्टि है मंगल देवता के पास, जो है इनकी अष्टम दृष्टि। अष्टम दृष्टि से ये आपके दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव हमारे कर्मों का होता है, कर्म में हमारी एनर्जी आ गई, आप ये मानिए मंगल देवता की अष्टम दृष्टि है। हालांकि कुछ बाधाओं की स्थिति भी बनेगी, परंतु ध्यान रखिएगा मंगल चतुर्थ को भी देख रहे हैं और आपके चतुर्थ दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं और आपके भाग्य को भी देख रहे हैं। इस कारण से कुछ भाग्य में परेशानी आ सकती है, परंतु भाग्य का समावेश आपके भाग्य को निरंतरता की ओर, उन्नति की ओर ले जाने का एक अच्छा प्रयास आपके जीवन पर ला करके रख देगा। मंगल को माना गया है हमारे एनर्जी आपके छठे भाव, दसवें भाव और आपके नवें भाव पर पड़ेंगी। अब हम समझने वाले हैं उस ग्रह प्रभाव को जो है शुक्र और शनि के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, एक सम सप्तक नाम का योग बनता है जब हमारे शुक्रदेव और शनिदेव आमने सामने इसी समय पर होते हैं। 180 डिग्री का अंतराल होता है इन ग्रहों के पास में। एक ग्रह दूसरे घर से आमने सामने होते हैं तब योग बनता है। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन कैसा है, तो ध्यान दीजिएगा शुक्र और शनि दोनों ही योग कारक ग्रहों में आते हैं, मतलब दोनों में मित्रता है। अब ये इनका प्रभाव 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक है। इस दरमियान शुक्र आपके अपने सिंह राशि के भाई अपने शरीर अपने लग्न पर ही होंगे और शनि देवता ने 17 जनवरी सन 2023 से आपके सप्तम भाव पर चरण रखा था। इस दरमियान क्या होगा, अभी जो एक महीने का दरमियान है, इस सम सप्तक योग बन गया। प्रभाव क्या होंगे, व्यापार स्थान और आपके शरीर स्थान, आपको 1 और 7 का कॉम्बिनेशन इस दरमियान आपको प्राप्त हुआ। एक वो स्थान हो गया जो मेरी शरीर है, मेरा अपना व्यक्तित्व है, मेरा अपना प्रभाव है, अर्थात आपके प्रभाव इस समय पर बहुत अच्छे होंगे। जिनसे आप मिलेंगे, जिनसे आप डील करेंगे, वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे, इस बात को समझिएगा। शुक्र स्वयं एक सौंदर्य के प्रतीक माने गए हैं, शुक्र स्वयं ऐश्वर्य के प्रतीक माने गए हैं, मतलब सौंदर्य और ऐश्वर्य दोनों आपके अंदर समाहित होगा पूरे इस समय के दौरान में। अब यही नहीं, शुक्र का संबंध शनि से बन रहा है। शनि देवता हमारे कहाँ बैठे हैं, व्यापार भाव पर, हमारे दाम्पत्य भाव पर। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो शुक्र की दृष्टि शनि पर है और शनि की दृष्टि शुक्र पर है। इस हिसाब से दाम्पत्य जीवन में एक मधुरता कायम हो सकता है। वैवाहिक दृष्टिकोण से भी सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों हमारे गुरु और शनि को ही लिया जाता है, और साथ में शुक्र का प्रभाव यदि मिल गया तो शुक्र तो भाई विवाह के कारक ग्रह ही माने गए हैं, विवाह के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा। दूसरी ओर यदि पति पत्नी के मध्य भी किसी कारण से तनाव की स्थिति चल रही है, आपसे दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास की स्थिति चल रही है, तो ये मान सकते हैं कि शुक्र मिठास है, शुक्र प्रेम है, तो प्रेम का एक वातावरण यहाँ पर कायम हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य में या पति के स्वास्थ्य में निरंतर कमी की स्थिति बन रही है तो शुक्र देवता लग्न से दृष्टि दे रहे हैं, यहाँ पर भी एक प्रभाव अच्छा मिल सकता है। दूसरी ओर ध्यान दीजिएगा, शुक्र कौन है और शनि कौन है, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि शुक्र की यदि बात होती है तो धन के यदि कोई कारक ग्रह माने गए हैं तो वो होते हैं हमारे शुक्रदेव, और दूसरा कर्म के यदि कोई कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं हमारे शनिदेव। इन दोनों का जब आपस में दृष्टि संबंध होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक परिणाम निकल के आते हैं, धन और कर्म। इस समय पर अपने धन को बढ़ाने के लिए आपको कर्म करने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, कितने भी अच्छे ग्रह योग हो जाएं और यदि हम कर्महीन हो गए तो
तो क्या बोला गया है शास्त्र में, कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जगमाही। सभी कुछ इस संसार में है, सभी कुछ भगवान ने सबको उतना ही दिया है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान के लिए न कोई सिंह राशि के लोग उसके न बुरे हैं, न कोई अन्य राशि के लोग उसके लिए अच्छे हैं, सभी उनके लिए एक समान है। सबको ग्रह स्थिति उन्होंने प्रदान किया है। मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अपनी भाग्य की जागृति करता है, और निश्चय मानिए कि ये जो संयोग बना है किसी विशेष जागृति से कम नहीं, किसी विशेष भाग्योन्नति से कम नहीं। आप ये जान करके इस टाइम पीरियड पर अपने कर्मों पर लगिए, आपके शनि और शुक्र का एक अच्छा संयोग बन रहा है, साथ ही साथ वो साहस, वो पराक्रम, वो वीरता इस समय पर आपके जीवन पर लक्षित होगा, जो मंगल के द्वारा आपको प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना हर बार की भांति इस बार भी कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन प्राप्त होता है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।